हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के अंदर, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मनु सोशल लॉज, जिसको हम मनुस्मृति के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि मनु सोशल लॉज है क्या, और मनु के सोशल लॉज के अंदर विमेंस के रिगार्डिंगली क्या बात की गई है, वर्णा सिस्टम के ऊपर क्या बात की गई है, और इसके साथ साथ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के ऊपर मनुज के क्या विचार है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि ये मनु सोशल लॉज हैं क्या, जिनको हम मनुस्मृति के नाम से भी जानते हैं। सोशल लॉज का सिंपल सा मतलब होता है कि समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून। तो ये क्या था बेसिकली, खासकर हिंदू सोसाइटी को चलाने के लिए मनुस्मृति के हिसाब से कुछ बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए गए थे, जिसके हिसाब से समाज को चलाया जाने वाला था, जिसको हम मनुस्मृति बोलते हैं। और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, इसको हम लोग धर्मशास्त्र बोल सकते हैं या फिर धर्म सूत्र भी बोल सकते हैं। तो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट्स थे हिंदू रिलीजन के अंदर, जिससे एंशियंट इंडिया को चलाया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो अब भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे कंटेक्स्ट मिल जाएंगे डेली लाइफ के, जिसके अंदर मनु सोशल लॉज को आज भी फॉलो किया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की। तो मनुस्मृति के अंदर सबसे खास फीचर है वर्णा सिस्टम, जिसको हम हिंदी में वर्ण बोलते हैं। वर्णा सिस्टम क्या है? वर्णा सिस्टम बेसिकली समाज के अंदर सोशल डिविजन्स हैं जो मनुस्मृति के हिसाब से कर रखे हैं। तो मनुस्मृति के हिसाब से जो समाज या सोसाइटी है वो इक्वल नहीं है, सबकी अलग अलग काबिलियत हैं, सबको अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, सबको अलग अलग काम दे रखे हैं। तो समाज के अंदर सबकी ड्यूटीज़ हैं जो अलग अलग परफॉर्म करनी है लोगों को, तो उसी के हिसाब से जो लोग जैसा काम कर रहे हैं, जैसे उनकी पोटेंशियल्स हैं, जैसा उनका ऑक्यूपेशन और उनका प्रोफेशन है समाज के अंदर, उसी के हिसाब से मनुस्मृति ने समाज को पूरे चार सोशल ऑर्डर्स में डिवाइड कर रखा है, चार वर्गों में बांट रखा है, उन्हीं को हम वर्णा सिस्टम बोलते हैं। और एक चार कौन कौन से ऑर्डर्स आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो चार ऑर्डर्स हैं वो हायरार्की में डिवीजन हो रखे हैं, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण्स आते हैं, उसके बाद क्षत्रियाज आते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर वैश्याज आते हैं, और चौथे नंबर पर शूद्राज आते हैं। तो हम इन चार वर्णों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण्स को। तो मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण्स को कुछ बेसिक फंक्शन समाज के अंदर दे रखे हैं। बात करते हैं कौन से फंक्शंस की। तो ब्राह्मण्स की बात करें तो दे कैन लर्न एज वेल एज टीच द वेदास। तो जो ब्राह्मण्स हैं वो वेदों को पढ़ भी सकते हैं और समाज को वेदों को पढ़ा भी सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज और रिचुअल्स हैं, इसके अंदर भी वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ब्राह्मण्स का बेसिकली जो काम है वो प्रीचर्स का या फिर टीचर्स का है, कि समाज को सही दिशा में ले जाना। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वर्ण की। तो दूसरी कैटेगरी आती है क्षत्रियाज की। क्षत्रियाज को हम लोग वॉरियर्स भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली समाज के अंदर जो रूलिंग क्लास होती है, जो राजा महाराजा हैं, प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, या फिर जो सोल्जर्स हैं, वो सभी इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। इनके भी कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलने वाले काम है मनुस्मृति के हिसाब से। वो काम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो किसी भी इमरजेंसी या मुसीबत के समय राज्य को प्रोटेक्ट करना, हमेशा देश के लिए या राज्य के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना। और जो क्षत्रियाज हैं वो भी वेदों को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वेदों को पढ़ा नहीं सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज में। ब्राह्मण्स तो पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो क्षत्रियाज हैं वो सिर्फ वेदों को पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। और इसके अलावा जो क्षत्रियाज हैं वो रिलीजियस सेरेमनीज और रिचुअल्स के अंदर भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो तीसरी कैटेगरी है वैश्याज। तो वैश्याज को हम वर्किंग क्लास के तौर पर भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर जो है बेसिकली फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन सभी को वैश्याज कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और जितने भी राज्य के अंदर कामकाज होते हैं, व्यापार होता है, वो सभी इन्हीं को दिया जाता है। तो ये सारी ड्यूटीज़ इनको असाइन की गई है मनुस्मृति के हिसाब से। और इनके अब आगे बात करते हैं तो ये लोग भी वेदों को पढ़ सकते हैं पर वेदों को पढ़ा नहीं सकते। और इसके अलावा जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज और रिचुअल्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आखिरी में आती है फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है शूद्राज। शूद्राज की बात करें तो इनके साथ मनुस्मृति के अंदर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है। कैसे आपको बताते हैं, समाज के अंदर जितने भी छोटे और नीचे काम हैं वो इनको असाइन किए गए हैं मनुस्मृति के हिसाब से, कि राज्य के अंदर साफ़ सफाई को रखना। बाकी अपर जो तीन वर्णाज हैं, ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियाज हो गए और वैश्याज हो गए, इनकी हमेशा सेवा करना। और इसके अलावा इनको एजुकेशन से भी डिप्राइव रखा गया है, और ये
ना तो वेदों को पढ़ सकते हैं और ना ही समाज को पढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा ये लोग रिलीजियस सेरेमनीज के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के मनुस्मृति के अंदर जो चौथी कैटेगरी है शूद्रास की, उसको सोशली काफ़ी ज़्यादा आउटकास्ट किया गया है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया वर्णा सिस्टम बोलते हैं। आगे बात करते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के बारे में। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में हैं, क्लास 11, 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने हिसाब से प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके सिलेबस के रिगार्डिंगली सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेज या नोट्स आते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो वो है द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो मतलब पिता की जो संपत्ति होगी, जो विरासत में मिली होगी, वो मनुस्मृति के हिसाब से कैसे बांटी जाएगी। उसकी बात करते हैं तो मनुस्मृति के हिसाब से जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा ओनली अमंग द ब्रदर्स, ओनली अमंग द सन्स, खाली बेटों के बीच में उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा, और डॉटर्स का उसके अंदर कोई भी रोल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। डॉटर्स का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री धन पे होगा। अभी स्त्री धन क्या, आपको बताते हैं कि शादी के टाइम पे जो भी गिफ्ट्स वगैरह प्रेजेंट्स वगैरह दिए जाएंगे बेटी को, उसको स्त्री धन बोलेंगे, और उसी के ऊपर सिर्फ अधिकार होगा विमेन का। उसके अलावा और किसी भी पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर विमेन्स क्लेम नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो और बात करते हैं समाज के अंदर जो है जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उससे कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिससे बेटों को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला, अगर जो बच्चे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, या फिर सोशली आउटकास्ट हैं, मतलब उनको समाज से बाहर निकाला जा चुका है, या फिर देवर बॉर्न ब्लाइंड और डेफ, मतलब अंधे हों या बहरे हों, ऐसे केस में भी इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। महाभारत में हमने देखा भी है इसके काफ़ी सारे केसेस, या फिर इनसेन हो, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो, अगर इन केसेस में से किसी से भी बिलोंग करता है कोई भी बेटा, तो ऐसे केसेस में उसको प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो वो है मनुज व्यूज रिगार्डिंग द विमेन। तो मनु के या फिर मनुस्मृति के अंदर विमेन के बारे में क्या बातें लिखी गई हैं, क्या उनको ड्यूटीज दी गई हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है विमेन इज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, जिसके तहत मनु के हिसाब से या मनुस्मृति के हिसाब से विमेन को जो है हाउस होल्ड का मिस्ट्रेस माना गया है। शी वॉज द अनक्राउंड क्वीन ऑफ द हाउस। तो जितने भी हाउस होल्ड के काम हैं, जो अफेयर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अफेयर्स हों, चाहे वो सोशल अफेयर्स हों, घर के अंदर के सारे इंटरनल जो मैटर्स होंगे उसको विमेन्स को सॉल्व करने का अधिकार दिया गया है। और अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है हस्बैंड शुड रेस्पेक्ट देयर वाइफ्स। ये भी है मनुस्मृति के हिसाब से जो विमेन है शी वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, और इसीलिए हस्बैंड शुड प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ देयर वाइफ्स, और किसी भी सिचुएशन में उनको रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना हस्बैंड की जिम्मेदारी है। और एक फेमस कोट और भी है मनुस्मृति के हिसाब से, जहाँ लिखा गया है वेयर द विमेन्स वर ऑनर्ड द गॉड रिजॉइस, मतलब जहाँ पर विमेन्स की इज्जत की जाएगी वहाँ पर भगवान हमेशा खुश रहेगा, भगवान का प्रवेश रहेगा वहाँ पर, और जहाँ पर उनको डिसऑनर किया जाएगा वहाँ पर जो गॉड है, गॉड का मतलब जो शांति है, प्रॉस्पेरिटी है, वो कहीं भी नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ द विमेन्स टू लर्न द वैदिक लिटरेचर। तो मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को वेदों को पढ़ने की इजाज़त भी नहीं है। तो वैदिक लिटरेचर को, मतलब पढ़ाई लिखाई से भी विमेन्स को एंशियंट सोसाइटी के अंदर मनुस्मृति के हिसाब से रोका जाता था। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, तो वो है सेकंड मैरिज इन द लोअर कास्ट। ये भी है विमेन्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मनुस्मृति के हिसाब से इंटरकास्ट मैरिज को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली हुई है, लेकिन अगर किसी भी मेल पर्सन की अगर सेकंड मैरिज है, दूसरी शादी है, तो उसको लोअर कास्ट विमेन के अंदर भी किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे विमेन के रिगार्डिंगली, बल्कि पूरी मनुस्मृति के अंदर मैंने बात की, वर्णा सिस्टम को बताया आपको, प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में आपको बताया, विमेन्स के बारे में बताया। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है मनुस्मृति के ऊपर, तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी आसान भाषा में, और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।